आज हम तीन और रिलेशंस की बात करते हैं, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक्स स्क्वायर थीटा, और वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसिक स्क्वायर थीटा। इनका हम डेरिवेशन करेंगे, ये आए कहाँ से, और फिर एक ट्रिक देखेंगे जिससे हम इनको ईजिली लर्न कर सकते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले लेंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं। तो ये होता है मेरा वाई एक्सिस और ये हुआ मेरा एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। अब यहाँ एक यूनिट सर्कल बनाएंगे। यूनिट सर्कल क्या होता है, यूनिट सर्कल के बारे में बताते हैं। यूनिट सर्कल एक सर्कल होता है जिसका रेडियस यूनिट होता है, रेडियस यूनिट मतलब रेडियस वन होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर मेरा रेडियस वन है, ये मेरा रेडियस वन है, तो ये जो ये मेरा पॉइंट है यहाँ पर, इसका मेरा जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, वन, ये वन है क्योंकि वन और ओरिजिन पे ही है तो जीरो, वन कॉमा जीरो। वैसे यहाँ की बात करते हैं, ये हो जाएगा हमारा जीरो कॉमा वन, ये पॉइंट होगा हमारा माइनस वन कॉमा जीरो, क्योंकि हम इस तरफ हैं, नेगेटिव पार्ट की तरफ है, नेगेटिव एक्सिस पे हैं एक्स के, और हमारा ये पार्ट हो जाएगा जीरो कॉमा माइनस वन, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको एक सेकेंड हटा देता हूँ मैं। तो मैंने क्या करा, एक ये रेडियस बनाया, ये मेरा रेडियस है, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर बना दिया, ठीक है। तो अगर मैं इसको हट के दिखाऊँ आपको तो ये कुछ ऐसा लगेगा, ये यहाँ पर बना देता हूँ, दूसरे कलर से बनाता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए। तो ये ट्रायंगल मेरा कुछ ऐसा लगेगा, ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉइन करी है, जो यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉन है, ये एंगल मैं सपोज थीटा लेता हूँ, एंगल मेरा थीटा है, ठीक है। अब बात करते हैं, यहाँ पर ये रेडियस मेरा वन है, ये मेरा वन होगा और ये भी वन होगा, नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं ये पूरा रेडियस नहीं है, यहाँ तक वन है ये, पर हम यहाँ पर ही रुक गए, तो ये पूरा वन नहीं होगा, इसी कुछ और वैल्यू होगी। तो हमें पता है एक एंगल और वन, तो मैंने जैसे आपको पहले बताया था, हम अगर हमें कोई एंगल पता है और एक साइड पता है तो हम दूसरी साइड्स निकाल सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, साइन थीटा निकालते हैं। साइन थीटा कितना होगा, साइन थीटा मेरा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब परपेंडिकुलर मेरा ये है क्योंकि एंगल के सामने ये साइड है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस जो कि मेरा वन है, तो मेरी ये आ जाएगा पी ही हो जाएगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कॉस थीटा की, कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा होता है मेरा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस मुझे पता नहीं है तो बी अपॉन हाइपोटेनस वन, तो ये मेरा बी ही हो जाएगा। अब इससे हमें क्या पता चला, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, अब मुझे पता है ये मेरा ट्रायंगल है, ठीक है, ये मेरा परपेंडिकुलर है पी, ये मेरा बेस बी, और ये मुझे वन पता है जो कि मेरा हाइपोटेनस है, ये मुझे पता है वन है, और ये एंगल मेरा थीटा है। मुझे से पता चला कि साइन थीटा मेरा पी है और कॉस थीटा मेरा बी है। अब अगर यहाँ पर मैं यूज करूँ पाइथागोरस थ्योरम पी जी टी, तो क्या होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस
बेस का स्क्वायर मेरा हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है, हाइपोटेनस सीधा मेरा 1 है तो 1 का स्क्वायर। अब पी की वैल्यू मुझे पता है, पुट करते हैं तो ये मेरी पी की वैल्यू साइन थीटा होती है, तो साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बेस कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और इक्वल्स टू 1। तो आ गई ना हमारी आइडेंटिटी, तो ये हमारी आइडेंटिटी है। अब एक आइडेंटिटी हमें पता चल गई है, अब हम बाकी आइडेंटिटीज निकालेंगे। तो हमें अभी पता चला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, यह हमें पता चला अभी। अब हमें बाकी आइडेंटिटीज निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, हम दोनों तरफ कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इसको डिवाइड किया तो हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 1 बाय कॉस थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। साइन थीटा बाय कॉस थीटा भी हमने डिस्कस किया था, ये होता है हमारा टेन थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1 बाय कॉस थीटा होता है हमारा सेक थीटा का स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। ये एक ट्रिक भी है याद करने की, अगर आपको कुछ याद नहीं आता है तो कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर लीजिए, आपको ये वाली आइडेंटिटी मिल जाएगी। अब बात करते हैं दूसरी वाली ट्रिक की। तो ये तो हमारी होगी 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा पता लगाने की। अब दूसरे के लिए क्या करेंगे, इस बार हम कॉस स्क्वायर थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ साइन स्क्वायर थीटा। पहले मैंने होल साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर रहा हूँ या फिर मैं आधा साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर रहा हूँ, एक ही बात है। क्योंकि अगर मेरे पास 2/2 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 1/2, इसको मैं 1/2 प्लस 1/2 भी लिख सकता हूँ और मेरा आंसर 1 ही आएगा, तो बात सेम है। तो इधर भी साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा गया 1 प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा था होता है हमारा कॉट थीटा, और क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा इक्वल्स टू 1 बाय साइन थीटा होता है कॉसिक थीटा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारी थर्ड आइडेंटिटी हो गई।